उत्तर प्रदेश बहराइच क्षेत्र में हो रही वर्षा एवं नेपाल से आए पानी के चलते शिवपुर ब्लॉक के एक दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ के पानी से घिर जाने के कारण ग्रामीण नागरिकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक मदद न पहुंचने से लोग काफी नाराज हैं। आपको बता दें कि विकासखंड शिवपुर के ग्राम शिवपुर बौंडी खैराकला आदि गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। जेएनएन की टीम ने गांव का जायजा लिया। इस दौरान वहां के ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की। सरकारी योजनाओं के बारे में पूछने पर बताया कि योजनाओं का लाभ निरीह गरीबों तक नहीं पहुंचता, बीच में ही लोग गोलमाल कर जाते हैं। संबंध में लोगों की नाराजगी जाहिर करती है कि 2022 के चुनाव में लोग सत्ता पक्ष को मतदान करने से पीछे हट सकते हैं। तो यहाँ प्रशासन द्वारा राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है, कोई आया है प्रशासन का देखने वाला? अच्छा, और राशन पानी नहीं दिया गया? राशन हाल साल ऐसा ही नजारा रहता है या इस बार बाढ़ ज्यादा हो जाता है? लगभग हर साल यहाँ पे बाढ़ ऐसे ही आती है और प्रशासन की नींद कब खुलेगी, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुँचाई गई है। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो फसलें हैं वो भी खराब हो रही है। हर साल जो है यहाँ बंदा कट जाता है, जिससे गाँव वालों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अंदर एक सहकारी बैंक भी है जहाँ पे लोग जोखिम में जान डाल के यहाँ से जो है बैंक तक जाते हैं, क्योंकि बैंक भी जरूरी सेवाएं हैं, तो वहाँ पे उनको अपना पैसा निकालना होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा पानी जो है गांव में लबालब भरा हुआ है और हर साल आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, गंगा न्यूज़ नेशन।